ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अपना 30वां शतक जड़ते हुए बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। बता दें कि स्टीव स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर में 30वां शतक जड़ा और इसी के साथ उन्होंने डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। सर डॉन ब्रैडमैन के नाम टेस्ट क्रिकेट में कुल 29 शतक हैं, तो वहीं अब एक शतक ज़्यादा स्टीव स्मिथ ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन ही नहीं बल्कि स्टीव स्मिथ ने पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ ने एक शतकीय पारी से दो बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टीव स्मिथ ने माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पीछे छोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब स्टीव स्मिथ चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये कीर्तिमान उन्होंने सिर्फ 92 टेस्ट मैचों में ही हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ के नाम कुल 8,647 रन हैं, तो वहीं माइकल क्लार्क के नाम 115 टेस्ट मुकाबलों में 8,643 रन हैं। स्टीव स्मिथ इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में अपना खोया फॉर्म वापस पा चुके हैं और लगातार रनों का अंबार लगा रहे हैं। जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने दूसरे दिन बल्लेबाजी की, उसे देखने के बाद यही साफ नज़र आता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से स्टीव स्मिथ उन बल्लेबाजों में शुमार हो जाएंगे जिनके नाम से ही क्रिकेट जगत कांपने लगता था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात करें तो इस मुकाबले में उस्मान ख्वाजा 195 रनों पर नाबाद हैं और डे 3 उस्मान ख्वाजा भी अपना दोहरा शतक पूरा करना चाहेंगे। आपको बता दें कि उस्मान ख्वाजा ने टेस्ट क्रिकेट में आज तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगाया है और अब बल्लेबाज के पास अच्छा मौका है। वहीं इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने डे 2 एंड होने तक 475 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।